और फटाफट खबरों के बाद रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में पिछले कुछ घंटों में क्या आंकड़े आए इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। एक बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटे में 54,393 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 1,129 लोगों की जान भी चली गई है। 74,120 मरीज 24 घंटे में ठीक हुए हैं। लगातार संक्रमितों से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो रिकवरी रेट में भी एक बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में कोरोना से कुल 3,89,268 की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, इसे आपको रूबरू करा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बीते कुछ दिनों में लगातार दिन प्रतिदिन केसेस में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,129 लोगों की जान चली गई है। ये एक बड़ा अपडेट। 74,120 मरीज 24 घंटे में स्वस्थ हुए हैं। लगातार संक्रमितों से ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं। देश में कोरोना से कुल 6,17,835 की मौत भी हो चुकी है। तो सरकार की तरफ से लगातार जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसका असर जो है खासतौर पर यहां पर एक देखने को मिल रहा है। इस बीच में आपको ये भी जानकारी दे कि लगातार वैक्सीनेशन को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लोगों को वैक्सीनेट कर रही है। खासतौर पर जहां जहां पर कमी देखी जा रही थी वहां पर वैक्सीन के डोसेस को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाया जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। और इसी को लेकर एक नया रिकॉर्ड जो है वो भारत देश ने बीते दो दिन में बनाया है, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 82 लाख के आसपास लोगों को वैक्सीन जो है वो लगी है, जहां पर महाअभियान की शुरुआत की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली से। और इसके बाद अगर हम आपको बताएं तो लोग जो है वो बढ़ चढ़कर इस वैक्सीन प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। खास तौर पर अगर आपको बताएं तो बीते कुछ दिनों से जो लगातार संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है, इसकी वजह साफ तौर पर यही है कि कई राज्यों में प्रतिबंध लगाया गया और उस प्रतिबंध उन तमाम सरकार की नीतियों का ही असर है कि आज संक्रमितों की संख्या में एक बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है।